फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, गुड टू सी यू। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देखकर। काला पानी थैंक से यू। बाहर आ गए आप। कैसा हम बताना चाहेंगे उस माहौल से बाहर आने के बाद कैसा क्या कुछ लग रहा है घर आने के बहुत बाद? अच्छा लग रहा है। लोगों के रिएक्शंस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। काला पानी के लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सेकंड सीजन के लिए भी बोल रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। जब शूटिंग स्टार्ट हुई, खुद को एनएम देखा और फिर शूटिंग के बाद जब एनएम भी देखा, तो क्या फर्क नजर आया? मैंने तो इस रोल के लिए बहुत वेट गेन किया था, 5 to 6 kgs गेन किया था। तो हाँ, आईने में तो बहुत डिफरेंट लग रही थी मैं। और क्योंकि ये सर्वाइवल ड्रामा है, हम लोग जंगल में शूट कर रहे थे, बाल बिखरे हैं, मिट्टी लगी है चेहरे पे, वो सब कुछ। तो हाँ, खुद को बहुत साफ़ सुथरा महसूस कर रही थी बाद में। आप बिना करवा चौथ के, बिना किसी सोमवार के, फिर भी उपवास रखा गया, इतने टाइम भूखे रहे, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? भूखे रहे, हाँ आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एनर्जी को खुद को मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन आई थिंक जब रोल बहुत अच्छा होता है तो आप सोचते हो ठीक है, हर सितम सहलेंगे हम। वाह, सो नाइस। अगर बात करूँ मैं कैरेक्टर्स की, जितने जिन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरीके से टेलर हम सभी के बीच में सीरीज है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस सभी आर्टिस्ट के साथ में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब लोग बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं जो हमारी सीरीज़ में हैं, सबने बहुत ही अच्छा काम किया है, सब लोग अपने कैरेक्टर में घुस चुके हैं। तो सीखने को तो बहुत कुछ मिला। और आज जब रिलीज़ हो गई है हमारी सीरीज़, सब लोगों को पसंद भी आ रही है, तो बहुत खुश हूँ सबके लिए और अपने लिए भी। इतिहास की इतनी बड़ी कहानी का एक हिस्सा बनने का मौका मिलता है बीइंग एन एक्टर, तो क्या कुछ फीलिंग होती है? कितना अपने आप को एक प्राउड महसूस करती हैं आप? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑडियंस का रिएक्शन ही है। और हम लोग मेहनत करते हैं, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल शूट करते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, और जब वो फाइनली आता है तो हम बस दिल थाम के बैठे होते हैं कि ऑडियंस को कैसा लगेगा। तो वो बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है, उसके लिए बहुत खुश हूँ। और जो आपके एक्टर्स हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो शायद सेट पे नहीं बोल पाए, मिलने के बाद नहीं बोल पाए, ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे उन्हें? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आई एम रियली प्राउड ऑफ एवरी वन हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ काला पानी। नॉट ओनली एक्टर्स बट ऑल्सो द कास्ट एंड क्रू, सबने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपनी पोटेंशियल से आगे जाकर मेहनत की है इस प्रोजेक्ट में, और वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए कह रही हूँ। सो आई थिंक वी ऑल शुड सेलिब्रेट एंड बी हैप्पी। एंड शूटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा इमोशनल रहे कि सबसे ज़्यादा डरे हैं? आई थिंक इमोशनल इमोशनल काफ़ी रहे हैं, क्योंकि जब सर्वाइवल की बात आती है तब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आप अपने इमोशंस को संभालो, खुद को संभालो। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे ज़्यादा खुद की एनर्जी ज़्यादा रखो, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इसके लिए। ग्रेट। लास्टली फैंस, ऑडियंस सबके लिए क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे सुंदर सा, जिसे आप हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमारी सीरीज़ काला पानी जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, उसे प्लीज़ देखिए, सबको बहुत पसंद आ रही है। और मैं अश्योर करती हूँ कि आप लोग बहुत एंटरटेन होंगे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। पहली बार इंडिया में एक सर्वाइवल ड्रामा रिलीज़ हुआ है, तो प्लीज़ आप देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। रीच आउट करिए सबको, मेकर्स को, एक्टर्स को, मैसेजेस करिए आपको क्या अच्छी चीज़ लगी। और यही होप करते हैं कि आपको पसंद आएगी। काला पानी के ऊपर आपका कितना प्रभाव गिरा है, आपके ड्रेसेस समझ, स्टिल यू आर इन ब्लैक ड्रेस, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।